तो आप लोग पहली बार आ रहे हो यहाँ पे? हाँ। कैसा लगा? अच्छा है। कहाँ से आ रहे हो? दिल्ली। दिल्ली से? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। तो दोस्तों, अगर आप भी कोटद्वार में किसी ऐसे स्विमिंग पूल की तलाश में हैं जहां पे आप अपना दिन एंजॉय कर सकते हैं, अपना खाना पीना वगैरह खा सकते हैं, यहां पे स्विमिंग कर सकते हैं, बच्चों के साथ फैमिली के साथ आ सकते हैं, तो आज मैं आपको लेकर चलूँगा कोटद्वार के एक बहुत ही शानदार स्विमिंग पूल में, जिसका नाम है तरणताल स्विमिंग पूल, जो कि TCG स्कूल के सामने है। तो यहाँ के आज मैं कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं, यहाँ का चार्जेस कैसा रहता है, और यहाँ पे फैमिली के लिए किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए हमारे इस पूरे वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ऐसे समय में लोगों को तलाश रहती है एक ऐसी जगह की जहां पर वो इंजॉय कर सकें, अपना स्विमिंग कर सकें और परिवार के साथ अपना खाना पीना वगैरह सब कुछ कर सकें। तो ऐसे में कई सारे स्विमिंग पूल हैं इस टाइम पे कोटद्वार में, जिनके एक दो के वीडियो मैंने पहले भी बनाए हुए हैं, लेकिन आज मैं जिस स्विमिंग पूल के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ वो TCG स्कूल के ठीक बगल में ही है। TCG स्कूल के पास में इस स्विमिंग पूल का नाम है तरणताल स्विमिंग पूल, जो कि यहाँ जो कोर्ट है, कोर्ट वाली रोड से थोड़ा सा आगे ही पड़ता है, किसी भी पता करेंगे TCG स्कूल के ठीक बगल में ही ये स्विमिंग पूल है। इसकी आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा, क्या यहाँ पे रेट रहता है, कैसे आप पहुंच सकते हैं, सब कुछ बताऊंगा, क्या क्या फैसिलिटी ये लोग देते हैं। तो दोस्तों, जब आप मेन कोटद्वार से आते हैं यहाँ के लिए, तो करीब करीब यहाँ मेन कोटद्वार से 5 किलोमीटर दूर पड़ता है TCG स्कूल, और TCG स्कूल के ठीक बगल में ही थोड़ा सा आगे जाने पे ही ये तरणताल स्विमिंग पूल है। ये देख लीजिए, ये इसका गेट है। तो ये लोकेशन है यहाँ पे की, ये बगल में है हमारा TCG स्कूल और ये है यहाँ पे तरणताल स्विमिंग पूल। तो यहाँ पे आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं और चाहें तो ऑटो लेके भी आ सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे फिर पैदल चलना पड़ेगा आपको अंदर की ओर TCG स्कूल की ओर। तो अगर अपनी गाड़ी लेकर आते हैं तो यहाँ पे पार्किंग की भी सुविधा आपको मिल जाती है। ये देख लीजिए, चाहे आप 4-व्हीलर से आते हैं, चाहे आप 2-व्हीलर से आते हैं, यहाँ पार्किंग का काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये सब फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके का ये स्विमिंग पूल है, काफ़ी बड़ा है ये स्विमिंग पूल। तो इसमें एक जगह बनी हुई है बच्चों के लिए, एक छोटा सा स्पेस है जहाँ पे बच्चों के लिए कम पानी है। इसके अलावा थोड़ा आगे अगर आप जाएंगे इसी स्विमिंग पूल में, तो वहाँ पे काफ़ी गहरा पानी है जहाँ पे बड़े लोग स्विमिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे चेंजिंग रूम बनाए हुए हैं, आप आते हैं तो यहाँ पे अपने कपड़े वगैरह चेंज करके, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के फिर आप यहाँ पे स्विमिंग करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे लॉकर रूम दिए हुए हैं, आप अपना कुछ भी सामान यहाँ लॉकर रूम में रख सकते हैं। तो ये सब फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है। इसके अलावा टॉयलेट्स वगैरह हैं और यहाँ पे शावर लगे हुए हैं। तो सबसे पहले जब आप आते हैं यहाँ पे, एंट्री करते हैं, तो आपको शावर लेना है, उसके बाद ही स्विमिंग के लिए जाना है। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे एंट्री होती है। अब यहाँ पे अगर रेट की बात की जाए कि स्विमिंग का पर पर्सन के हिसाब से क्या रेट ये लोग लेते हैं, तो यहाँ पे 70 रुपये पर पर्सन के हिसाब से बैठता है पर पर्सन का, और जिसमें मतलब एक आदमी 1 घंटे तक ही तैर सकता है। तो इसके अलावा यहाँ पे जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम अगर आप लेते हैं इनसे, जैसे निक्कर वगैरह, या लेडीज़ हैं तो टी शर्ट और लोअर कुछ लेते हैं, तो उसका चार्जेस अलग सा पड़ता है 20-20 रुपये के हिसाब से। और यहाँ पे बच्चों के लिए बोटिंग वगैरह भी है, छोटे बच्चों के लिए, अगर छोटे बच्चे साथ में आते हैं तो बोटिंग का जो चार्ज है 50 रुपये है अलग सा। और यहाँ पे सभी का चार्जेस लगता है, चाहे छोटे बच्चे आते हैं चाहे बड़े बच्चे आते हैं, सभी का यहाँ पे ये लोग चार्ज लेते हैं। 2.5 साल से छोटा बच्चा होगा तो नहीं लेते हैं, बाकी सबका चार्जेस यहाँ पे पड़ता है। तो इस तरीके की यहाँ पे फैसिलिटी है और रेट है। और इनका अपना रेस्टोरेंट भी है, ये ऊपर की तरफ इनका अपना रेस्टोरेंट है, जहाँ पे अगर आप फैमिली के साथ आते हैं, कुछ खाना पीना चाहते हैं, तो वो सब भी आप यहीं पे कर सकते हैं। तो पूरा दिन एंजॉय करने के लिए तो काफ़ी अच्छी जगह है। और गर्मी आपको पता ही है कितनी ज़्यादा पड़ रही है इस टाइम पे कोटद्वार में, तो गर्मी से बचने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं, कुछ देर आप यहाँ पे स्विमिंग करके अपना दिन एंजॉय करके और खाना पीना खा के अपना जा सकते हैं। क्योंकि इस टाइम एक तो छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, बच्चों की छुट्टियाँ हैं, तो सभी पूरी फैमिली के साथ आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं।
यहाँ इसके खुलने की टाइमिंग की बात की जाए तो ये सुबह 7-8 बजे से खुल जाता है और शाम को 7 बजे तक खुला रहता है, तो आप इस दौरान कभी भी आ सकते हैं। और अच्छा रहेगा तो कि आप सुबह थोड़ा जल्दी आ जाएं, 7-8 बजे ही आ जाएं, क्योंकि दिन में जब 12-1 बजता है तो उस टाइम धूप काफ़ी तेज़ हो जाती है, तो धूप काफ़ी तेज़ लगती है उस टाइम पर, इसलिए अच्छा रहेगा थोड़ा सुबह आएँ या थोड़ा सा दिन में जब थोड़ा शाम हो जाए यानी 3-4 बजे के बाद वो तब आएँ, तो ज़्यादा अच्छा आप इन्जॉय कर पाएंगे। और बाकी फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। और जो इधर पानी है तो करीब करीब 6 फीट का यहाँ पे पानी है, तो छोटे बच्चों के लिए साइड में बना हुआ है, साइड में जो बच्चों के लिए बनाया है करीब 1 फीट 1.5 फीट का पानी है, और बाकी जो इधर बड़े बच्चों के लिए बनाया है वो 6 फीट तक का पानी जाता है। तो इस तरीके की यहाँ पे फैसिलिटी है। और एक बात का ध्यान रखें कि अगर आप अपने घर से अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेके आ रहे हैं तो नायलॉन का ही लेकर आएँ, कॉटन के अगर आप कपड़े पहनकर आते हैं तो वो यहाँ पे अलाउड नहीं है, उसके लिए आपको अपनी कॉस्ट्यूम देंगे जिसका अलग से चार्ज पड़ता है 20 रुपये, क्योंकि यहाँ पे कॉटन अलाउड नहीं है, क्योंकि इनका कहना है कि यहाँ पे जो मशीनें चलती हैं नीचे पानी को साफ करने की उसमें कॉटन की जो रुई वगैरह होती है बारीक बारीक वो फंस जाती है, इसलिए नायलॉन के कपड़े ही यहाँ पे अलाउड करते हैं। तो अगर आपको अपना पैसा बचाना है कॉस्ट्यूम में तो आप घर से अपने कपड़े ला सकते हैं, लेकिन नायलॉन के लेके आइए तभी आपको यहाँ पे अलाउड होगा। और मात्र 70 रुपये का टिकट है, तो काफ़ी सही रेट में एक तो टिकट भी है यहाँ पे, और खाने पीने का भी नॉर्मल रेट है, जो भी आप फास्ट फूड खाना चाहते हैं वो सब भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो दोस्तों इन्हीं सब फैसिलिटीज़ के साथ यहाँ पे ये स्विमिंग पूल मिलता है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं है, यानी झूले वगैरह नहीं है या कोई अदर एक्टिविटीज़ नहीं है, डांसिंग रेन डांस वगैरह ये सब नहीं है, केवल यहाँ पे स्विमिंग पूल है, तो काफ़ी सही रेट में भी है, तो आप यहाँ पे आके अपने फैमिली के साथ इन्जॉय कर सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आपको यहाँ की कंप्लीट डिटेल्स मिल गई होगी और यहाँ के बारे में कम्प्लीटली पता चल गया होगा, तो जब भी आप आना चाहें यहाँ पर आ सकते हैं TCG स्कूल के ठीक बगल में। इसके अलावा आपको कोटद्वार के और भी स्विमिंग पूल देखने हैं तो उनके वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैंने कोटद्वार के और भी स्विमिंग पूल के वीडियो बनाए हुए हैं, आप चाहें तो वहाँ पर भी जा सकते हैं, उनका वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा। और दोस्तों हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर ऐसी ही जानकारियाँ देते रहते हैं। दोस्तों इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। तो आप लोग पहली बार आ रहे हो यहाँ पे? हाँ। कैसा लगा? अच्छा है। कहाँ से आ रहे हो? दिल्ली। दिल्ली से? अच्छा, तो यहाँ के कहाँ आए हुए थे? यहाँ कोटद्वार में। अच्छा, नानी के यहाँ? हाँ। तो अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, और आप कहाँ से आए हो? मैं कोटद्वार से। आप कोटद्वार से ही हो? अच्छा, कैसा लगा यहाँ? अच्छा। फर्स्ट टाइम आए हो? बहुत बार आ चुके। अच्छा, पहले आ रहे हो, तभी लाए भाई को घुमाने? ठीक है।